और अगली बड़ी खबर जामताड़ा से सामने आ रही है, जहां पर ईडी की छापेमारी की जा रही है। बता दें ईडी की 30 घंटे से ये छापेमारी जारी है, जहां योगेंद्र तिवारी के होटल और आवास पर ईडी की जांच जारी है। अब देख सकते हैं भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। ये पूरा मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। तो बीते दिन से ही लगातार अलग अलग ठिकानों पर 32 से 36 ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है ईडी की, और इसी कड़ी में गिरिडीह रांची समेत कई जिलों के बाद अब तस्वीरें जामताड़ा से सामने आई है, जहां 30 घंटे से ईडी की ये छापेमारी चल रही है। पूरा मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जहां योगेंद्र तिवारी के होटल और आवास पर ईडी की ये जांच की जा रही है। साथ ही साथ इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, जगह सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। तो शराब घोटाले में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। गिरिडीह, दुमका, राजधानी रांची समेत अब जामताड़ा में भी ईडी की ये रेड चल रही है। हमारे सहयोगी अजय तमाम जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, जामताड़ा में भी ईडी की छापेमारी चल रही है शराब घोटाले को लेकर। जी प्रभा, मैं बता दूं आपको कि ईडी की छापेमारी जामताड़ा के मिहिजाम में शराब व्यवसायी जोगिंदर तिवारी के आवास पर, उनके होटल पर और कार्यालय पर पिछले 30 घंटों से चल रही है। और ईडी को इस दौरान क्या मिला है, क्या खंगाल रही है, ये तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन इस पूरे मामले के किंग पिन समझे जाने वाले जोगिंदर तिवारी के आवास पर अभी ईडी घुसी हुई है। बाहर सुरक्षा के बंदोबस्त हैं, पुलिस खड़ी है, किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। अंदर क्या मिला है, क्या जानकारी उनके पास है, ये अभी किसी के पास साझा नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले के किंग पिन जोगिंदर तिवारी वर्ष 2021 में झारखंड में हुए शराब नीति बदलाव के बाद इनको दिए गए शराब दुकानों को आवंटित करने के दौरान जो मामला आया है सामने, जो घोटाला हुआ है, और लगभग सरकार को 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की हानि हुई है राजस्व की, इस बात को लेकर के ईडी जांच कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारियों के लिए।